हेलो एवरीवन दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर एडिटोरियल डिकोडेड सेशन और इस सेशन में हम आज बात करने वाले हैं द एडिटोरियल विच अपियर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस एंड दैट इज केन बेतवा प्रोजेक्ट एंड इसके साथ ही हम बात करेंगे केन बेतवा दिस इज द आर्टिकल विच अपियर इन द इंडियन एक्सप्रेस so in, in this uh, session we will discuss about the national interlinking river project देन केन बेतवा लिंकिंग और उसके साथ जो क्या डिटेल है प्रोजेक्ट की एंड क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द इश्यूज आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट ओके सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर बात करें दिस नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट जो है ये कैसे हम धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं एंड सबसे पहले अगर शुरुआत करें हम तो ब्रिटिश एक ऑफिसर थे जनरल थे आर्थर कोटन जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये आइडिया सजेस्ट किया था दिस वाज आर्थर कोटन जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये आइडिया सजेस्ट किया था कि जो गंगा रिवर सिस्टम है उसको कावेरी रिवर सिस्टम से हमें कनेक्ट करना है राइट right? बिकॉज आपको पता होगा दिस गंगा रिवर सिस्टम और स्पेशली हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो पेरेनियल है यानी उनमें जो पानी है थ्रू आउट द ईयर रहता है बट दीज पेन सोलर रिवर्स है आ, नो, इनका जो नेचर है दैट इज नॉन पेरेनियल यानी यहाँ पे चौबीस मतलब आपके हमेशा पानी नहीं रहता है तो इसके लिए आर्थर कोटन ये आइडिया लाते हैं कि हिमालयन रिवर को कावेरी रिवर से कनेक्ट किया जाए ठीक है इसके बाद नाइनटीन में डॉक्टर डी एल राव जो कि हमारे यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये आइडिया दिया कि हमें नेशनल वाटर ग्रिड कुछ प्रोजेक्ट लाना चाहिए जिसके तहत इंटरलिंकिंग करें हम जो कि वाटर सरप्लस जो रीजन है वहां से वाटर लेके वाटर डेफिसिट रीजन जो है उनमें पहुंचाया जाए और 1980 में फाइनली This was the 1980. फाइनली हम लेके आते हैं नेशनल परसपेक्टिव प्लान ठीक है नेशनल जो प्लान था वो यही है जो आगे जाके नेशनल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बन जाता है नेशनल इंटरलिंकिंगल प्लान जिसको अभी हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कहते हैं ठीक है प्लान तो 1980 में ये प्लान आता है जिसके तहत जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है दैट इज एनडब्ल्यू वो आइडेंटिफाई करता है कि 30 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें से 16 कंपोनेंट्स आर 16 components are

जिस्टेड बाई आर्थर कोटन देन हमने देखा डॉक्टर डी एल राव हमारे इरिगेशन मिनिस्टर एंड देन फाइनली जो है ये आइडिया हम लेके आते हैं अब अगर हम बात करें स्पेशली अबाउट दिस केन बेतवा प्रोजेक्ट केन प्रोजेक्ट जो है पहली बार 2005 में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट वो हम कर सकते हैं एंड इसके लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी सो दिस वॉज फर्स्ट मोटेड इन टू दैट इज दीपीआर बनानी होगी एंड दिस वॉज अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो पहली बार बन के आता है देन इट वाज द ईयर ऑफ 2008 एंड 9 जब इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेअर किया जाता है कि ये नेशनल प्रोजेक्ट होगा एंड 2018 में पहली बार इसकी जो है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलती है जिसमें ये देखा जाता है कि टू फेज में इसको बनाना है ठीक है तो टू फेज में डीपीआर मिलती है तो इसको अभी फाइनली uh, 2018 में हमने देखा डीपीआर मिली एंड फाइनली 2021 में यानी कि जस्ट नाउ जो कैबिनेट जो है उसने इसको अप्रूव किया है राइट सो दिस प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव इन 2021 आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा है 16 इयर्स टाइम ठीक है इसको सिर्फ अप्रूवल uh, देने में सो दिस इज द टाइम पीरियड अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है दैट इज फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स जीरो फाइव करोड़ और आठ साल में इसको कंप्लीट किया जाना है एंड मोस्ट ऑफ द कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बी कर रही है ध्यान रखना टाइम जो है एट ईयर का दिया गया है ध्यान रखना ये ये भी कि नेशनल प्रोजेक्ट को इसमें बोला गया है कि नेशनल प्रोजेक्ट होगा इसके साथ ही इसमें, इसमें स्पेशल पर्पज व्हीकल एक क्रिएट किया जाएगा जो पूरा इसका इंप्लीमेंटेशन देखेगा एंड उसको बोला जाएगा केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑथोरिटी ठीक है तो ये अथॉरिटी जो होगी ये पूरा इंप्लीमेंटेशन देखेगी एंड इसी के तहत पूरे जो यहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्शन होगा या फिर जो कैनाल कंस्ट्रक्ट होगी उसका पूरा काम ये अथॉरिटी देखेगी ठीक है तो ध्यान रखना स्पेशल पर्पज व्हीकल होगा जो इसको बनाएगा इसके बाद अगर बात करें दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ये मैंने आपको बताया अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे मैप पे इसको दो फेज में बनाया जाएगा फर्स्ट फेज में फेज वन होगा एक एंड फेज टू होगा फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज तो फेज वन में यहां पे एक बहुत फेमस डैम बनाएंगे हम दैट इज डैम 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 ठीक है तो ये ये एक बनाया जाएगा इसके साथ 221 किलोमीटर की ये जो लंबी कैनाल सिस्टम है ये बनाई जाएगी इसके साथ ही कुछ पावर हाउसेस यहां पे बनाए जाएंगे तो दिस इज टू बी कंप्लीटेड अंडर फेज वन ठीक है इसके बाद फेज टू की जब बात करेंगे तो यहां पे एक रिवर है जो आपको दिख रही होगी दैट इज और रिवर तो यहां पे अपन लोअर और डैम बनाएंगे ठीक है एक तो ये बनेगा इसके बाद यहां विदिशा के यहां पे बॉर्डर पे यहां पे हम बनाएंगे कोथा बैराज, कोथा बैराज ठीक है सो so, ये जो है ये हम सेकेंड फेज में बनाने वाले हैं एंड बीना डैम और होगा एक बीना प्रोजेक्ट और होगा तो ये लोअर और कोथा बैराज ये हम सेकेंड फेज में बनाएंगे द फर्स्ट फेज इज टू कनेक्ट दिस दिस टू वन केन रिवर टू बेतवा रिवर ये तो था फेज वन एंड फेज टू ठीक है एंड दीज टू आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर सिस्टम ध्यान रखना यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है अब हम इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने वाले हैं अब ये तो हमने बात करी प्रोजेक्ट डिटेल की अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है अगर मैं आपको बेनिफिट दिखाऊं बेनिफिट so में स्पेशली दिस रीजन और ये पूरा बुंदेलखंड रीजन है बिटवीन यूपी एंड एमपी जो यहां पे काफी ड्राई लैंड रहता है ठीक है तो बुंदेलखंड रीजन जो है उसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है अराउंड 10.2 लाख हेक्टेयर लैंड जो है उसको यहां पे इरिगेशन वाटर मिलेगा इसके साथ ही सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री पीपल ठीक है जो पॉपुलेशन है यहां पे रहने वाली उनको ड्रिंकिंग वाटर मिल पाएगा Drinking water supply. तो दो दो एंगल में में हम समझते हैं पहला है water और water में फिर से इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट तो 130 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाएगा एंड इसमें से 103 मेगावाट होगी हाइड्रो दैट इज हाइड्रो एंड रेस्ट ऑफ 27 जो मेगावाट होगी दैट विल बी सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी कैसे होगी जो कैनाल सिस्टम बनाया जाएगा उसको ऊपर से सोलर पैनल से कवर किया जाएगा एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस दिस 27 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इरीगेशन है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है प्लस ये जो पूरा रीजन है इसमें बुंदेलखंड रीजन स्पेशली उनको बेनिफिट होने वाला है सो so ये सारे जो हैं प्रोजेक्ट की डिटेल एंड बेनिफिट अब बात करते हैं कि इसमें इशू क्या है तो इशू की अगर बात करें सबसे पहले अगर बात करें तो एनवायरमेंटल इशू एनवायरमेंटल इशू में अगर सबसे पहले बात करें तो यहां पे आपको मैं एक बार दिखा दूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है बिल्कुल यहीं पे है इन दिस रीजन ओनली ठीक है तो जो स्पेशलिस्ट हैं स्पेशली एनवायरमेंटल जो स्पेशलिस्ट हैं दे आर से यह पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका काफी सारा एरिया सबमर्ज होने वाला है ठीक है सबमर्ज हो जाएगा यानी कि काफी सारा हिस्सा जो है ये इस कैनाल प्रोजेक्ट में जा सकता है ठीक है पानी का लेवल बढ़ सकता है यहां पे दिस इज द वन कंसर्न द सेकेंड कंसर्न इज कि जब हम दो रिवर सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं दिस इज केन रिवर एंड दिस इज बेतवा रिवर ठीक है बेतवा रिवर सो दोनों ही अलग जो रिवर हैं दोनों का अलग इकोसिस्टम हो सकता है एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम दे मे हैव डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज उनकी अलग अलग स्प्रिसी हो सकती हैं और अगर आप कनेक्ट कर रहे हो केन रिवर को बेतवा से मान लीजिए केन से आप पानी उठा के बेतवा में दे रहे हैं तो बेतवा सिस्टम जो है इको उसमें कुछ स्पीसीज जो है उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट इको डिफरेंट पी ऑफ द वॉटर है ना तो वो एक कंसर्न और है तो ये भी एक कंसर्न हो जाता है ठीक है तो इकोसिस्टम कनेक्शन वाला जो है ये कंसर्न हो जाएगा देन अगर हम बात करें ये तो था एनवायरमेंटल कंसर्न अगर हम बात करें सोशियल कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिस प्रोजेक्ट तो सोशियल कॉस्ट क्या है यहां पे स्पेशली जो लोग रहते हैं उनको आपको यहां से रीलोकेट करना होगा यानी कि इनको यहां से हटाना होगा एंड इसको हटाने में मोस्ट ऑफ द जो यहां पे लोग रह रहे हैं दे आर ट्राइबल पॉपुलेशन तो ट्राइबल पॉपुलेशन को हटाना प्लस उनको रिहेबिलेट करना एंड रिहेबिलिटेशन भी उनका एंश्योर करना ये जो है सोशल कॉस्ट है जो हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पे करनी होगी राइट right? एंड इनका जो रिहेबिलिटेशन है वो प्रॉपर हो बिल्कुल सही से हो दैट इज ऑल्सो अ वन एरिया ठीक है तो दिस इज द सोशल कॉस्ट दैट इज रीलोकेशन रीलोकेशन ऑफ री ट्राइबल पॉपुलेशन ठीक है स्पेशली ट्राइबल यहां पे ज्यादा रहते हैं इसलिए ट्राइबल पॉपुलेशन इसके बाद अगर बात करें इकोनॉमिकल तो इकोनॉमिकल में जो है आपने देखा दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट एनवे और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में आके इसको अप्रूवल मिलता है अब भी कितना टाइम लगेगा एट ईयर का टाइम पीरियड है बट इसकी जो कॉस्ट है दैट इज फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स जीरो फाइव करोड़ अब ये जो टाइम है अगर और डिले होगा है होता है तो दिस कॉस्ट विल डेफिनेटली इंक्रीज ठीक है तो ये भी इंक्रीज हो सकती है तो द इकोनॉमिकल कंसर्न हो सकता है और कॉस्ट बढ़ जाए इसके बाद अगर लास्ट बात करें हम दैट इज द क्लियरेंसेज जो हमें चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए तो ये प्रोजेक्ट डिले ना हो उसके लिए बहुत सारी क्लियरेंसेज भी चाहिए होंगी लेकिन दीज क्लियरेंसेज जो है ये बहुत फेयर होनी चाहिए क्योंकि हमें हेस्ट में अगर जाके हम ये प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो दैट विल आल्सो इंपैक्ट नेगेटिवली ठीक है तो क्लियरेंसेज में जैसे अगर मैं आपको बताऊं जैसे टेक्निकल क्लियरेंस है तो टेक्निकल क्लियरेंस के लिए आपको सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उससे परमिशन लेनी होगी एंड फॉर द एनवायरमेंट रिलेटेड जो क्लियरेंसेज चाहिए एनवायरमेंट रिलेटेड क्लियरेंस उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से परमिशन लेनी होगी एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड जो आप डिसलोकेट करने वाले हैं स्पेशली ट्राइबल्स को तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ठीक है मोटा तो आपको बहुत सारी क्लियरेंसेस भी लेनी है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में एंड

perspective. Last year we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.